सेकंड प्रिपरेशन क्या है फ्रॉम नाइट्राइल्स आगे पाइप हाँ आप लोगों को याद होगा कि जो एल्डिहाइड होली में सेकंडेशन थी वो भी क्या थी फ्रॉम साइनाइड्स नाइट्राइल से थी ना स्टीफन रिडक्शन पहले हाइड्रोजन डालते हैं डोनेशन हाइड्रोजन फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं ठीक है तो इसमें भी सेम सही है तो इसमें आप लोगों को CH3CN नाइट्राइल लेंगे ठीक है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लेना जरूरी है क्योंकि कीटोन बना है ठीक है कीटोन में क्या होता है कार्बन के दोनों तरफ सी होना चाहिए ना तो अगर मैं यहीं पे एच लगा दूंगा वो एच तो हमेशा उसके साथ ही रहेगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा ठीक है इसमें क्या ऐड करना है ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज CH3MTBr इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर तो यहाँ पे सेम जैसे एडिशन करते हो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा बच्चे कार्बन पे लिखो वैसे आसान लिखो कुछ नहीं समझ टाइम दे रहा ना आपको डेल्टा नेगेटिव डेल्टा ठीक है आप लोग इधर ध्यान दो सारा इधर ये बॉन्ड इधर यहाँ पे चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ क्या जाएगा बच्चे CH3 क्या बन गया बोलो CH3 वो वाला सी के साथ CH3 लग गया यहाँ डबल बॉन्ड एंड MgBr ये बन गया यहाँ से ना मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगा आप लोग सीधा भी लिख सकते हो पेपर में पता होना चाहिए नहीं तो भूल जाती है रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड एंड MgBr यहाँ पे जब पहला वाटर का मोल ऐड करोगे ना तो पहले MgBr बाहर निकलेगा ठीक है देखो कैसे H3O पॉजिटिव H2O H2H पॉजिटिव लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो ठीक है यहाँ से क्या होगा ये जो बॉन्ड है ना ये टूटेगा ये इधर आएगा बॉन्ड इधर यहाँ पे ट्राई करेगा पहले H पॉजिटिव क्यों क्योंकि नाइट्रोजन पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है हाई तो पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा H पॉजिटिव इधर OH इधर समझ आया ठीक है क्या बन गया CH3C नीचे CH3 इधर क्या डबल बॉन्ड NH वेरी गुड प्लस या माइनस में क्या लिखूं MgOHBr ये स्टेप नहीं समझ आया तो पूछ लो आगे समझ क्लियर ठीक है हर लिंक से मतलब उसके बाद सिंपल हाइड्रोलिसिस यहाँ से हाइड्रोलिसिस कल भी की थी ठीक है ये पूरा पहले एच अटैक करता है फिर ओएच अटैक करता है एच अटैक करता है ओएच अटैक करता है लोगों ने उसको देखा होगा वीडियो में भी ठीक है तो क्या बन जाता है CH3 डबल बॉन्ड प्लस NH3 आपको नहीं हो रहा आ नहीं ना नीचे है ओके मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ हाइड्रोलिसिस करके क्या बन जाएगा CH3 और भी नीचे देखो क्या था CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इधर CH3 प्लस NH3 आप लोग जल्दी से नोट कर लो अरे यहाँ से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे करना है ये डबल बॉन्ड को कैसे यहाँ एक वाटर का एक मोल ऐड हो रहा है ये दोनों बॉन्ड टूटे डबल ऑक्सीजन इधर दो एच इधर ठीक है समझना है तो मैं अभी समझाता हूँ मैं कैंसिल करा देता हूँ देखो यहाँ से समझाऊंगा इस स्टेप से बोलो क्या बोला और स्टेप CH3 नीचे CH3 डबल बॉन्ड NH ये ना मेरे पास ठीक है इसमें वाटर ऐड करना है H पॉजिटिव आएगा H पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे ठीक है
जिस बच्चे को हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स का मैकेनिज्म आता है या याद है, ठीक है, उसको ये समझ आ गया होगा आंखें बंद करके, ठीक है, उसका मैकेनिज्म मैंने बहुत बार कराया, वो कर लो। CH3 डबल बॉन्ड NH पॉजिटिव, देखने में बड़ा ये मैकेनिज्म है, बहुत आसान, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चल जाए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा बच्चे, प्लस OH नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस कार्बन में, ठीक है। तो मैं इसका इधर लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा, CH3C इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, बोलो इधर OH इधर CH3 ये बन जाएगा। फिर से सेम चीज करो, एच पॉजिटिव का अटैक करो, अब मैं एक स्टेप एक साथ कर दूंगा, इधर अटैक हुआ, ठीक है, CH3C ऊपर OH बच्चे, इधर CH3, मैं यहीं पे दूसरा स्टेप दिखा देता हूँ, दिखाना नहीं चाहिए, ये मैकेनिज्म होता है, फिर मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, साथ में OH नेगेटिव का अटैक, ये इस पे पॉजिटिव चल जाएगा, NH3 बन जाएगा, ये बॉन्ड साथ के साथ बाहर नहीं हो जाएगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, OH, बात समझ आई, क्या बन गया, मैं एक साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे OH इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2H ये वाटर बार CH3 सी डबल बॉन्ड CH3 प्लस NH3, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म साथ में करोगे तो रिएक्शन इजी लगेंगे, ठीक है, कर लो। आगे थर्ड रिएक्शन, इसमें सिर्फ तीन रिएक्शन थी, ठीक है, और कैसे बन सकता है कीटोन, सिर्फ कीटोन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है, ये हुई है ना पहले, कौन सी रिएक्शन, असाइलेशन, असाइलेशन, असाइल ग्रुप कौन सा होता है, असाइल ग्रुप बोलते इसको, आर सी डबल बॉन्ड, दिस इज असाइल ग्रुप, ठीक है, CH3 सी डबल बॉन्ड, जैसे बेंजीन क्या ऐड किया इसमें, CH3 CO CL इन द प्रेजेंस ऑफ HCl3, समझ आया, 320 के आसपास टेम्परेचर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इसमें ऊपर के लग जाएगा COCH3, इसका नाम कौन बताएगा, बस HCl, ये टाइप कौन सी है, रिएक्शन की टाइप क्या है, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, कौन बताएगा, रिएक्शन कौन सी टाइप की है, एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, कंडेंसेशन है, क्या है, मेरी बात सुनो, जो बेंजीन रिंग होती है ना, बेंजीन रिंग होती है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत कम देती है, आप लोगों ने पढ़ा ना, हैलोजन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड ऑल दैट, है ना, तो बेंजीन देखो, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, डबल बॉन्ड है ना उसमें, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा ना, नेगेटिव क्यों करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इजिली अटैक करता है, तो बेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इजीली, इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, कैसे, यहाँ से AlCl की वजह से इसके साथ एक्ट करता है, इसका ना जनरल मैकेनिज्म बुक खोलो, दिमाग थोड़ा चलाओ और करो इसको, AlCl3Cl बार कल भी कराया मैंने मैकेनिज्म ग्रेटर देन कोज में, समझ आया, ये बन गया, प्लस AlCl4 नेगेटिव लिखा इधर, ये ग्रुप अटैक कर देगा, एच बाहर निकल जाएगा, करके दिखाऊं, देखो ये रिएक्शन तो आप लिख लोगे, सिंपल रिएक्शन है, नहीं लिखोगे दोबारा लिख लूंगा, मैं मैकेनिज्म एक बार करा ही देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। CH3COCl में AlCl3 ऐड करते हैं और क्या बन जाता है, CH3CO पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, समझ आया, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसका, CH3C डबल बॉन्ड OH ग्रुप का, यहां पे ये बॉन्ड इधर, ठीक है, ये ऐसे ये बॉन्ड ऊपर गया पॉजिटिव चार्ज, इधर एक एच होगा, इधर क्या लग गया सी डबल बॉन्ड OCH, समझ आया, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा बच्चे, ये इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे, समझ आया, फिर इसके रेजोनेंट हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बना देता हूँ सारा सीधा, मैं हाइब्रिड वाला बना रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज रिंग में घूमता है, एच इधर COCH3 इधर, ये समझ आया, लास्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, बोलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इधर एच है, इधर क्या COCH3 AlCl4 दोबारा आएगा और क्या करने आएगा, हाँ प्रोटॉन को निकालने आएगा, वेरी गुड, प्रोटॉन यहाँ से जब निकलेगा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, नेगेटिव चार्ज वापस डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्या बन गया, रिंग आ जाएगी COCH3 प्लस HCl और कैटलिस्ट
रीजनरेट हो जाता है आपको पता, ठीक है। ये मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक के सारे मैकेनिज्म कॉमन है, राइट, क्लियर। विद दिस प्रिपरेशन रिएक्शंस आर ओवर, ठीक है, करो। हाँ जी बच्चे, हमारी प्रिपरेशन आप लोग लिखते रहो। हाँ जी, हमारी प्रिपरेशन रिएक्शंस ओवर हो गई हैं, ठीक है। अब हम 10 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 10 मिनट इनको दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को इस सारी की सारी रिएक्शन रिवाइज करनी है और हम सारी रिएक्शन बोर्ड पे लिखेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स। चलो हाँ जी, अब हम रिएक्शन रिवाइज करते हैं सारी। पहले करेंगे एल्डिहाइड के टर्म्स की। हाँ जी जस्टिन, पहली रिएक्शन देख के नहीं बोलना, एल्डिहाइड गोली की है वो, सबसे पहले स्टार्टिंग से अल्कोहल्स से एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की पूछ रहा हूँ। रोजरमेंट तो एल्डिहाइड जोनी में आती है ना, समझ आ रहा है क्या कर रहे हो? अल्कोहल से, अल्कोहल के अंदर दो रिएक्शन है, पहली है बच्ची ऑक्सीडेशन, है ठीक है। ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं और उसमें क्या ऐड करते हैं, PCC इन द प्रेजेंस ऑफ CH2CH2 CH3CHO, ठीक है। CH3CHO, ये हमारे पास पहली रिएक्शन ऑक्सीजन। सेकंड रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन, क्या है याद नहीं किया तुम लोगों ने भी, इतने देर होगी। डिहाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, तीन रिएक्शन थी इसके अंदर, मैं एक ही लिखूंगा। ये कॉपर, हाँ कॉपर एट 573, ठीक है, कॉपरेट 573 कर, क्लियर। तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, बात समझ आई। चलो ये अल्कोहल के साथ ही आगे, इसके बाद क्या आता है, हाँ जी इसके बाद क्या आता है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास दो रिएक्शन है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाँ वो लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन के अंदर दो रिएक्शन है, एल्काइन से दो एल्कीन से, पहले एल्काइन वाली आती है। अब यहाँ पे मैं सीधा प्रोडक्ट लिखूंगा, मैकेनिज्म नहीं करेंगे, रिवाइज कर रहे हैं। तो CH3 आप ही पेपर में लग से जब रिवाइज करोगे ना तो ऐसे कर सकते हो, CH3 C111CH, ठीक है। इसके ही दो रिएक्शन निकाल दो, एक दो, ठीक है। पहली में क्या ऐड करना, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, सेकंड साथ में H2O2 होता है, परऑक्साइड होता है, ये होता है, मतलब ये होगा एंटीडिशन होगी, डबल बॉन्ड इधर लगाना है। एक तरह का मैं बार बार बता रहा हूँ, एक तरह वाटर ऐड करना है, दो H इधर आएंगे O इधर आएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2CHO। अगर टर्मिनल पे होगा ट्रिपल बॉन्ड तो प्रोडक्ट एल्डिहाइड, अगर टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्रोडक्ट क्या रहेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। और नीचे अगर हाइड्रेशन करूं, H2O ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, साथ में H2SO4 है ना, H2SO4 HgSO, मार्कोनी कंपटीशन होगी, टॉटोमराइजेशन वगैरह होती है, वो मैं अभी नहीं कर रहा, वो आपको आती है, ठीक है। ये दो रिएक्शन है एल्काइन से, हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन, दूसरी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन्स, ठीक है। उसमें भी टॉटोमराइजेशन होती है, दोनों में होती है टॉटोमराइजेशन, एल्काइन्स की कदम, उसके बाद एल्कीन्स की, एल्कीन्स की भी दो रिएक्शन बोलो कौन कौन सी, ओजोनोलिसिस एंड बेकर प्रोसेस। हेलो ओजोनोलिसिस हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल CH2, यही है मेरे पास दिस, इसकी ओजोनोलिसिस की O3 साथ में, हाँ वेरी गुड, सेकंड स्टेप जिंक, जिंक H2, ठीक है। तो O3 डाला, ये डाला, सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट का मैंने सीधा डायरेक्ट मेथड क्या बताया था, कि डबल बॉन्ड तोड़ना है और डबल बॉन्ड O लगाना है, एक बन जाएगा मिथेनॉल, एक बन जाएगा बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। मिथेनॉल और इथेनॉल नियर क्या है, बेंजाल्डिहाइड, आया समझ। दूसरा वेकर प्रोसेस, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यार कुछ नहीं है, प्लस PDCl2 प्लस H2O in the branch of CuCl2, air भी होती है, ठीक है, air और O2, समझ आया, aerial oxidation बोलते हैं इसको। यहाँ पे क्या होगा, CH3 C double bond of CH3 ये बन जाएगा, कैसे बना देख लो, दोबारा बता देता हूँ, ठीक है।
बताऊ, कंफ्यूज हो भाई? ये वाला टूटा, एक बार टूटा, ये वाला एच इधर आया, तीन हो गए, इधर एच, इधर दो ब्रांच खाली होगी, एक बॉन्ड टूटा, एक एच निकला, यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन। ये दो सी एच, दो एच के साथ क्या होंगे? दस ब्रेकअप से, ठीक है। इसके बाद क्या था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक की आगे क्या चेक करो, खत्म। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिएक्शन खत्म, चेक इट, खत्म। इसके बाद आती है एल्डिहाइड्स ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली, ओनली में पहली रिएक्शन आती है रोजनवर्ड, और रोजनवर्ड किससे है? असाइलेनाइड। रोजनवर्ड में सीएल की जगह क्या लगाना है? एच, तो क्या ऐड करेंगे? H2। वेरी गुड। इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी बीएसओ सल्फर और फिनोलिन एक्ट एज अ पॉइनस, ये रिएक्शन को रोकते हैं ताकि अल्कोहल ना बन जाए, ठीक है। सी एच थ्री सी एच ओ प्लस एच सी एल, अब विनय समझ आ रहा है? आगे दूसरी रिएक्शन क्या है विनय? स्टीफन रिडक्शन। मैंने बोला था इसका नाम कैसे लेना है? हाँ, नाइट्राइल एस्टरलिन, ठीक है, नाइट्राइल के साथ करते हैं ये, पहले दो नेसेंट हाइड्रोजन ऐड करने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, SnCl टू HCl, ठीक है। एक एच इधर, एक एच इधर, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये समझ आया? हाइड्रोलिसिस, एच थ्री पॉजिटिव में सीधा प्रोडक्ट लिखूंगा, सी एच थ्री सी एच ओ प्लस एन एच थ्री, यहाँ से हाइड्रोलिसिस में कैंसिल करा दी, ठीक है, आया समझ? ये थी स्टीपर। उसके बाद नेक्स्ट एरोमेटिक करो, हाँ जी बोलो। एल्डिहाइड जोन में आगे रिएक्शन क्या है? डबल वाली छोड़ दो, सेम ही है वो, ये लेते हैं, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्रेट सेम आई ना कराई हुई है। और बोलो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन शुरू, हाइड्रोकार्बन के अंदर चार रिएक्शन है, पहली रिएक्शन रिटार्ड रिएक्शन, हाँ जी, दे रिटार्ड रिएक्शन आती है, इंपॉर्टेंट है, CrO2 Cl2 ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CH2, पर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? दो H हट जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, HC इधर क्या रहेगा? OCl OH Cl2 ट्वाइस का होल ट्वाइस, Cl2 ट्वाइस होल ट्वाइस, समझ आया? ये दोबारा क्यों लिख रहे हो? कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड, समझ आया? यहाँ पे रिएक्शन छोड़ देनी है, नेम रिएक्शन है, डायल रिएक्शन लिखी हुई है पहले, क्यों? कोई ठीक है, ये डायल रिएक्शन। उसके बाद दूसरी रिएक्शन देखो, ये मैं रफ करूंगा साथ साथ, उसके बाद बोलो, हाँ, यूज ऑफ सी आर ओ थ्री इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्रेट, तो एसिटिक एनहाइड्रेट होता है सी एच थ्री सी ओ ट्वाइस ओ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सी आर ओ थ्री। अब यहाँ पे मैं मैकेनिज्म नहीं करा रहा, तो मैं सीधा रिएक्शन लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स में सीधा बना दूंगा, दो एसिटिक एनहाइड्रेट के मोल्स यूज होते हैं, मैंने बताया था, ठीक है, दोबारा बताऊं बोल के, पता है क्या होता है? क्या पता, बोलो कैसे? जब आप सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, है ना, ये है ना, ये यहाँ से टूटेगा होमोलिटिक, ये पूरा ग्रुप लगेगा ऊपर, क्या लगा? ओ सी ओ सी एस थ्री, ये दो चाहिए ना, दो ही लेने पड़ेंगे, और ये जो एच हो गए इसके साथ लग जाएंगे दोनों बाहर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस के बाद इस पे दो ओ एच लगेंगे, वाटर बाहर निकलेगा सिर्फ, फिर बनेगा सी एच ओ, लेकिन पेपर में सीधा लिख सकते हो आपकी मर्जी है, समझ आया? देव नहीं समझ आया? प्लस जस्टिन समझ आ गया? सी एच थ्री सी ओ एच दो मोल, OH इधर आएगा बच्चे, H इधर आएगा, सी एस थ्री सी ओ एच ये रहा, ठीक है, और इधर दो OH आएंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा, क्लियर है ना? ये अगर नहीं की हुई रिएक्शन फिर नहीं समझ आ रही होगी, नहीं तो आ रही होगी, चलो आगे, तो नहीं की अगर नहीं समझ आ रही फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आपको करा दूंगा। तीसरी रिएक्शन साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सिंपल रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन लिखते हैं, बेंजाल्डिहाइड प्लस सी ओ प्लस एच सी एल, बी एल सी एल थ्री,
सी एच सी, ठीक है। एच सी एल को चाहे आप इधर लिख सकते हो, बाद में इधर कर दो, बाद में क्या करोगे, ऐसे ही लग दो वापस, ठीक है। यही सी एच दैट्स द प्रोडक्ट, ठीक है, आया समझ, क्लियर। एल्डिहाइड्स ओनली खत्म, कीटोन्स ओनली स्टार्ट। कीटोन्स ओनली में पहली रिएक्शन एसाइलेट आदि की, डायल कैलकेट में ऐड करना है, क्या होता है सी एच सी ट्वाइस सी डी, ठीक है, वहां ट्वाइस लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो एल्केल ग्रुप है, टू सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री प्लस सी डी सी एल टू, राइट। पहली रिएक्शन ये, दूसरी ग्रिग्नार्ड एजेंट और नाइट्राइल, यानी कि सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस सी एच थ्री एम जी बी एन, इसमें इधर लेना, ठीक है, ये बॉन्ड इधर जाएगा, इधर क्या रखेंगे सी एच थ्री सी, नीचे क्या रखेंगे सी एच थ्री डबल बॉन्ड एन के साथ एम जी बी एन, ये समझ आया। हाइड्रोलिसिस करोगे दो बार, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, समझ आया। उसके बाद फिल्टर कार्बन साइलेशन, दैट्स इट, खत्म रिएक्शन। कितना टाइम लगा, 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। तो रिएक्शन आनी चाहिए, राइट, इसकी रिएक्शन की प्रैक्टिस करो, कन्वर्जेंस करो, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।